आपको पता है नमाज की क्या अहमियत है? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह, सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा क़यामत के दिन, नमाज। सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा क्या है? नमाज। फइन सलहत सलह लहु सायरु अमलिही, अगर नमाज अच्छी निकलेगी सारे के सारे अमाल अच्छे निकलेंगे। वइन फसदत फसदत सायरु अमलिही, और नमाज अगर खराब निकलेगी तो सारे अमाल खराब निकलेंगे। मेरे बच्चों, अगर कोई बच्चा है जो आज सीख रहा है कि नमाज में ध्यान नहीं देना है, आज सीख रहा है कि नमाज में मस्ती करना है, और कल आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो आदत है वो, और पता है आपको आदत बदलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। एक बार जो चीज आदत बन जाती है ना, वो आदत हमारे अंदर से निकालना बहुत मुश्किल है। आपको पता है, आपने देखा होगा कोई पेड़ है जो टेढ़ा है, कभी देखा है कोई टेढ़े पेड़ को देखा है? हाँ, हाँ, हाँ? हाँ, हाँ। कोई कोई होता है सीधा होता है। हाँ। कोई कोई टेढ़ा भी होता है, खजूर का पेड़ सीधा होता है। हाँ, लेकिन कोई पेड़ ऐसा भी होता है जो टेढ़ा है। हाँ, हाँ। अब वो टेढ़ा है तो क्यों टेढ़ा है मालूम है आपको? हाँ, ऐसे बेंड हो गया पूरा पेड़। क्यों बेंड हो गया पता है आपको? जब वो बच्चा था ना पेड़, पेड़ भी बच्चे होते हैं मालूम है, छोटे से पौधा था, फ्लेक्सिबल होता है। पौधा कैसा होता है? फ्लेक्सिबल तो होता है, हिलता है, हवा आती तो हिल जाता है। तो वो जो पौधा था ना, तभी वो टेढ़ा हो गया, वो टेढ़ा हो गया। फिर जब बड़ा हो गया ना, तो बड़ा हो गया तभी टेढ़ा का टेढ़ा ही। अब सीधा कर सकते हैं? अगर कोई पेड़ ऐसा टेढ़ा है उसको सीधा कर सकते हैं धक्का लगा के? बच्चों का कुछ ऐसे ही होता है कि आपकी अगर आदत बन गई ना नमाज में ध्यान नहीं देने की, तो आप आगे भी ध्यान देना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। हाँ बच्चों, क्या करो, नमाज अपनी अच्छी पढ़ो। किसके लिए पढ़ो? अल्लाह को राजी करने के लिए। और फायदा किसका है? हमारा। आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा कयामत के दिन वो है नमाज। नमाज अच्छी निकलेगी तो सारे अमाल अच्छे निकलेंगे। वह इनफसदत, अगर नमाज खराब निकलेगी सारे के सारे अमाल खराब। वो शख्स के सारे जो अमाल है उसकी, बाकी सब के सब काम, सब के सब रॉन्ग 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 निकलेंगे, क्योंकि उसने नमाज अच्छे से नहीं पढ़ा था। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।